जनता के लिए समर्पित हुआ किला पुल जाना जाएगा सत्य प्रकाश अग्रवाल के नाम से। आज किला पुल का जीर्णोद्धार होने के बाद माननीयों ने इसका उद्घाटन कर जनता के लिए समर्पित कर दिया है। किला पुल के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। घंटों लोग जाम से जूझ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली मार्ग से आने वाले वाहनों के साथ साथ लोगों को यहां से गुजरने में काफी सहूलियत मिलेगी। जर्जर पुल के हालात देखते हुए प्रशासन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इस बारे में शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया, किला पुल का निर्माण बहुत ही जिम्मेदारी से कराया गया है, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसलिए कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जनता को लंबे समय के लिए एक बड़ी राहत मिली है। आलमगिरीगंज के रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जनता दल की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे। इनके नाम पर किला में सत्य प्रकाश पार्क है। किला पुल का नाम भी इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे आज के उद्घाटन के बारे में? जनता इतनी त्रस्त थी दिल्ली पुल रुकने से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को बहुत परेशानी थी, हम जनता की परेशानी देख रहे थे, और रिपेयर होने में जो टाइम लगा वो लगा, लेकिन कोशिश ये की गई है कि अच्छी रिपेयर हो जाए, खूब मजबूत हो जाए, जल्दी दोबारा हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो। आज ये पुल के उद्घाटन होने से न केवल बरेली शहर या बरेली महानगर, बल्कि पूरे समझिए जितनी भी दिल्ली से इधर आते हैं, मीरगंज पूरा क्षेत्र और क्षेत्रों की जनता को बहुत आसानी होगी। हमें इस बात की खुशी है कि जनता की परेशानी अब कम। पुल का कुछ नामकरण वगैरह किया, किसके नाम पर नामकरण? पुल का नाम आदरणीय श्री सत्य प्रकाश पुल रखा गया है। वो हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ थे, पूर्व मंत्री थे, और यहाँ पास में उनके नाम से पार्क भी है, उनकी मूर्ति भी है। इस पुल का नाम सत्य प्रकाश पुल रखा गया है। मतलब ये पुल ऐसा हुआ कि तीन बार इसकी अलग अलग तारीख दी गई, तो ऐसी क्या कंफ्यूजन हुआ कि कैंट विधायक जी ने भी एक बार पत्र जारी कर दिया, उसके बाद फिर से तीसरी बार अब हुआ है? देखिए, ऐसा है, हमने ये कहा कि पुल की मरम्मत में कमी नहीं, अभी एक दो दिन ज़्यादा लग जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि दोबारा जल्दी कोई परेशानी हो। खूब अच्छी तरीके से देख लो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन अब जल्दी ऐसा ना हो दोबारा, क्योंकि इस पुल से जितनी दिक्कत हुई लोगों को, इधर तो एक दो दिन की हुई दिक्कत, लेकिन कोई दोबारा रिपेयर करनी पड़े तो फिर महीना भर, इसलिए किया गया। सर, अभी आपने निरीक्षण भी किया था, इसकी देख जांच भी की होगी, कितना मजबूत पुल है, कितना और इसमें कहा जाए कितना और चलेगा? इंजीनियर्स ने हमें बताया है कि पुल ये मजबूत है और ये दोबारा उतना ही चलेगा जितना अब तक चला है। एक बात और, रेलवे का इसमें कुछ काम बाकी है, अगर उसकी परमिशन मिलेगी तो कुछ काम और जो रह गया वो हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कोशिश? जो काम रह गया है उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, अब वो भी जल्दी ही करा देंगे, लेकिन जनता के आवागमन में परेशानी ना हो, वो काम भी रिपेयर हो जाए और हो जाए। खराब थी, अब इसको एक समय सीमा के अंदर पूरा करना और आवागमन का रास्ता रहे सही सलामत, उसके लिए काम किया गया। हम धन्यवाद देंगे, लोक निर्माण विभाग ने सही ढंग से इस काम को किया, अब यातायात एक अच्छा सुगम रहेगा और अच्छा यातायात की व्यवस्था रहेगी। तो मैं अधिक न बोलते हुए इस कार्य के लिए जो समय के अंदर पूरा किया गया, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद हूँ।